In fact, it's interesting that they've got the whole AI concept in it. Are you going to say that they copied the Pathan scene? Of course not. I think Pathan copied it. नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएस मीडिया यूट्यूब चैनल में। आज हम आए हैं पीवीआर सिनेमा में और यहाँ पे मिशन इम्पॉसिबल मूवी का प्रीमियर शो हो रहा है। तो आइए लोगों से जानते हैं कि उनको टॉम क्रूज की एक्टिंग कैसी लगी और मिशन इम्पॉसिबल की ये नई मूवी कैसी लगी। बहुत ही बढ़िया मूवी। हाँ जी मैम, क्या कहना चाहिए? इट्स ओके, एक्सेलेंट मूवी, गुड मूवी, वेरी नाइस, ग्रेट मूवी। कैसी लगी? It was a good movie. It was good. Yes. Good. Three and a half. Beautiful movie. Amazing. बढ़िया लगी। हाँ सर। ढाई घंटे की फिल्म इंग्लिश कभी नहीं होती। बढ़िया मूवी, बहुत बढ़िया। Awesome. Great movie. टॉम क्रूज कैसे लग रहे हैं? कैसे लगे? बढ़िया थी, बढ़िया। कैसे लगे? हाँ जी सर, कैसी मूवी है? गुड, वेरी गुड। टॉम क्रूज कैसे लग रहे हैं? टॉम क्रूज कैसे लग रहे हैं? हाउ इज द मूवी? वेरी नाइस, टू गुड, फैंटास्टिक, ऑसम। So this was an amazing movie. How many stars? 5 stars I would give. हाँ जी सर, how was the movie? How many stars out of 5? 3, I'll give 3. हाँ जी सर, कैसी है? हाँ सर, कैसी है? वेरी गुड। How was the movie? One of the best movies I've ever seen in my life. How many stars out of 5? 6. मुझे तो बहुत अच्छी लगी। टॉम क्रूज पहले की तरह हमेशा अभी भी हॉट लग रहा है। डायरेक्शन कैसा लगा मूवी का? डायरेक्शन अच्छी थी, थोड़ी लंबी हो गई, थोड़ी अनरियलिस्टिक है एक्शंस, बट अच्छी है, लाइक पैसे वसूल। क्या लग रहा है बॉक्स ऑफिस पे क्या होने वाला है ये मूवी, क्योंकि आपने 2 दिन पहले देख लिया, तो क्या एक्सपेक्टेशन है? बहुत अच्छी चलेगी ये मूवी, क्योंकि इतने टाइम से ऐसी एक्शन मूवी आई नहीं है, टॉम क्रूज की भी नहीं आई है इतने टाइम से, हॉलीवुड में कोई अच्छी मूवी भी नहीं जा रही, तो आई गेस ये अच्छी जाएगी। स्टोरी लाइन कैसी है मूवी की? स्टोरी लाइन थोड़ी बॉलीवुड जैसी लगी मुझे, बट अच्छी है। इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, एंड मुझे उसे देख के ऐसा लग रहा था क्या हमारा भी ऐसे ही अंत होने वाला है AI से। अगर बॉलीवुड में ये मूवी बनती तो आप किस एक्टर को टॉम क्रूज की जगह देख रही हैं? ये बॉलीवुड में ऑलरेडी बन चुकी है, जो अभी आई थी ना शाहरुख खान की पठान। हाँ पठान, वो मुझे बिल्कुल ऐसा, ट्रेन वाला सीन बिल्कुल पठान वाला लग रहा था मुझे, लाइक शाहरुख खान लग रहा है मुझे यहाँ पे, पूरा पठान सीन लगा। हाँ, बॉलीवुड में शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, आई गेस मुझे रणवीर सिंह को देखना है एक बार एक्शन में, लाइक टॉम क्रूज तो देखते हैं। और एक्ट्रेस कौन रिप्लेस कर सकती थी? एक्ट्रेस कियारा अडवाणी। कियारा और सिद्धार्थ अगर होते तो? सिद्धार्थ इतना एक्शन में नहीं, वो क्यूट ज्यादा लगता है, रणवीर सिंह एंड कियारा। हाउ मेनी स्टार्स आउट ऑफ 5? 4.5। थैंक यू। हाँ जी, कौन सी मूवी देखी? मिशन इम्पॉसिबल 7 मैंने देखी है। कैसे लगी मिशन इम्पॉसिबल? बहुत अच्छी थी, एक्शन अच्छा था, स्टोरी ठीक ठाक थी, और अगर टॉम क्रूज की बात करूँ तो वो तो खैर है ही लाजवाब। 61 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा एक्शन किया है जो कि मेरे ख्याल से बहुत लाजवाब है, बहुत ज़बरदस्त है। एक इंटरव्यू में हाल ही उन्होंने कुछ कहा है कि अगर वो 70 के हो जाए 75 के हो जाए जब भी वो एक्शन मूवी करते हैं, और हम सबको पता है कि वो जो भी एक्शन करते हैं, जो भी स्टंट करते हैं, वो सब वो रियलिटी में करते हैं, किसी के द्वारा नहीं कराए जाते वो स्टंट। तो इन्होंने भी इसमें स्टंट रियलिटी में किया, जो कि काफ़ी अच्छे है। लास्ट का सीन जो है वो काफ़ी अच्छा है, एक दो इंटरवल से पहले जो
जो सीन्स थे बॉम्ब वाला न्यूक्लियर वाला वो थोड़ा बहुत कॉमेडी में भी कन्वर्ट करने की कोशिश की है, तो बीच बीच में कॉमेडी और एक्शन का दोनों का तड़का आपको मिलने वाला है। स्टोरी लाइन कैसे है मूवी की? स्टोरी मैंने बताई, स्टोरी ज़्यादा खास नहीं है। टॉम क्रूज के नाम पे ये मूवी चलेगी और मिशन इम्पॉसिबल जैसे एक ब्रांड बन चुका है, पहले भी इसकी मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट गई है, तो स्टोरी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन एक्शन, टॉम क्रूज और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जितने भी थे वो काफ़ी अच्छे इस पिक्चर में दर्शाए गए। अगर किस प्रकार की जनता को मूवी आकर्षित कर पाएगी? मेरे ख्याल से जितने भी हॉलीवुड फैंस हैं, टॉम क्रूज के फैंस हैं, मिशन इम्पॉसिबल जैसे मैंने पहले बताया एक ब्रांड बन चुकी है, तो उसी का नाम चल के ये मूवी आएगी और लोग देखेंगे। 5 में से कितने अंक? 5 में से मैं 3.5 स्टार देना चाहूँगा। देखिए आपने भाई मिशन इम्पॉसिबल MI7 कैसी लगी? अच्छा रिस्पॉन्स था, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैंने MI3 तक के पार्ट देखे थे, 4, 5 और 7 आई थिंक नहीं देखा, 7 अब देखा है। 3 दिन पहले फिल्म देखने का मौका मिला और वी आर वेरी लकी कि टॉम क्रूज की फिल्म हम 3 दिन पहले देख रहे हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कि फ़ोन नहीं ले जाने और कुछ नहीं ले जाने। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था और काफ़ी सुना था कि रियल स्टंट जो है टॉम क्रूज ने इस फिल्म में किए हैं और जैसे ही वो रियल स्टंट होता है तो सब सहमे से नज़र आते हैं। कैसे लग रहा है टॉम क्रूज मूवी में? भाई 61 ईयर के हैं यार, और हमारे बॉलीवुड के खान्स भी जो है 57 ईयर के हैं, फेस पर पता लग जाता है, लेकिन टॉम क्रूज का वो चार्मिंग लुक जो है ना, मतलब लड़कियों को खींचता है, फिल्म देखने के लिए मजबूर करता है। स्टोरी लाइन कैसी है मूवी की? और जो रन टाइम है इस मूवी का वो 2 घंटा 45 मिनट। जो हॉलीवुड के फैंस है ना उनको ही ये सीन और उनको ये थीम पसंद आएगी, क्योंकि हम लोगों ने जो है इंग्लिश में फिल्म देखी है, और जो हॉलीवुड के फैन नहीं है या जिन्होंने पुराने पार्ट्स नहीं देखे वो लोग थोड़े से बोर हो जाएंगे इस फिल्म के लिए, क्योंकि एक्शन जितना फिल्मों में होना चाहिए ना उतना फिल्मों में था नहीं, एक्शन था प्लस कॉमेडी थी लेकिन एक्शन थोड़ा कम मात्रा में था। कितने स्टार देंगे 5 में? 5 में से 3। धन्यवाद। मिशन इम्पॉसिबल देख के आ रहा हूँ। कैसा लगा मिशन? यार भाई मज़ा आ गया पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे मूवी, एक्शंस भी है और सारे चीज़ कमाल के हैं, जो जितने भी पहले की मैंने मिशन इम्पॉसिबल देखी है उन सबसे बेटर तो नहीं कहूँगा बट काफ़ी अच्छी है। टॉम क्रूज कैसे लग रहे हैं पिक्चर में? यार टॉम क्रूज कब अच्छे नहीं लगते, टॉम क्रूज हमेशा अच्छे लगते हैं और इस मूवी में भी बहुत ही कमाल लगे हैं। मैं उनके लिए कोई भी कमी नहीं निकाल सकता उनके अंदर, एवरी सीन जो भी उनका सीन है, जो भी उनका किरदार है पूरी मूवी में, हर जगह उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्म किया है। स्टिल आप जानते हैं उनकी एज, उसके बावजूद वो आज भी एकदम फिट हैं और कितने अच्छे अच्छे सीन करते हैं, तो उनके एक्टिंग के लिए तो 5 out of 5। डायरेक्शन कैसा है मूवी का? डायरेक्शन बहुत ही कमाल है भाई, बहुत ही ज़्यादा कमाल है, सीन्स बहुत अच्छे हैं। लास्ट का सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक जब वो पहाड़ पे से कूदते हैं तो वो सीन मुझे बहुत कमाल का लगा, डायरेक्शन बहुत प्यारा है। क्या लग रहा है बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल ये मूवी कर पाएगी? कर पाएगी यार भाई, मिशन इम्पॉसिबल नाम ही काफ़ी है, मैं नाम सुन के ही खींचे चला आया, तो मुझे लगता है कि जो मिशन इम्पॉसिबल के चाहने वाले हैं वो खींचे चले आएंगे। कितने स्टार देंगे 5 में से? 5 में से 5 भाई। धन्यवाद।